डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। इस टॉपिक के ऊपर तो सबसे पहले बायोगैस है क्या? बायोगैस एक मीथेन रिच, CH4 मीन्स मीथेन रिच फ्यूल है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाई एनएरोबिक फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो डिफरेंट काइंड का बायोमास होता है, उस डिफरेंट काइंड के बायोमास को एनिमल या प्लांट ओरिजन का जो बायोमास है, जब उसकी एनएरोबिक फर्मेंटेशन होती है, एनएरोबिक ब्रेकडाउन होती है विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, तो मीथेन रिच एक फ्यूल पैदा होता है विच इज कॉल्ड एज बायोगैस और गोबर गैस। ये जो बायोगैस है, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो मीथेन इसमें 50-70% है, देन कार्बन डाइऑक्साइड 30-40% एंड सम ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तीन गैसेस जो हैं वो ट्रेसेस में होंगी, जो मेजॉरिटी ऑफ कंपोजिशन है वो इन दो गैसेस की होगी, यानी मीथेन 50-70% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 30-40%। तो ये बायोगैस है। अब कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम देखें बायोगैस की, दैट इज 23-28, इसके बीच में कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बायोगैस की लाई करती है। तो ये एक एक्सीलेंट कैलोरीफिक वैल्यू है, एक एक्सीलेंट फ्यूल इसको बनाती है। अब बात आती है कि बायोगैस की प्रोडक्शन कैसे होती है। तो देखो, बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो इंडिया में इन दो ने डेवलप की, वन इज KVIC, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और इसके अलावा साथ में कलेबोरेट किया IARI। IARI क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन दो इंस्टीट्यूशंस ने मिलके जो है ये टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन जो थी उसको इंडिया में डेवलप किया। अब कैसे इसको करवाते हैं, तो ये एक डायग्रामेटिक सेटअप है बायोगैस प्लांट का। ये एक फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट है, क्योंकि दो तरह के होते हैं बायोगैस प्लांट्स। बायोगैस प्लांट्स आर दोज सेटअप्स वेयर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस टेक्स प्लेस, जहां पे बायोगैस की प्रोडक्शन होती है, उन सेटअप्स को हम बायोगैस प्लांट्स बोलते हैं। तो बायोगैस प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट और दूसरा होता है फिक्स्ड डोम शेप्ड बायोगैस प्लांट। यहां पे ये फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट की मैं बात कर रहा हूं। देखो, बायोगैस प्लांट में सेंटर में एक बड़ा कंटेनर या एक बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि चैम्बर होता है, विच इज कॉल्ड एज डाइजेस्टर, इसको हम डाइजेस्टर बोलते हैं। और डाइजेस्टर के आइदर साइड के ऊपर दो स्मॉल चैम्बर्स होते हैं। वन चैम्बर इज यूज्ड एज फीडिंग चैम्बर, जिसको हम फीडिंग चैम्बर बोलते हैं। इस फीडिंग चैम्बर में कैटल का डंग, एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, फीकल मैटर प्लस वाटर, ये जो है ये डाला जाता है। तो ये फीडिंग चैम्बर है जहां से ये मिक्स्ड जो वेस्ट मटेरियल है, बायोमास है, उसको डाइजेस्टर के अंदर जो है वो ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम दी फीडिंग चैम्बर। दूसरा जो है ये है जिसके अंदर स्लज की फॉर्मेशन होती है, जिसमें से बायोगैस पैदा करवा ली होती है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस जिस बायोमास में से हो चुकी होती है वो यूज्ड अप स्लरी जो होती है उसको हम क्या करते हैं, ये एक चैम्बर में इकट्ठा कर लेते हैं
और इस चैम्बर के अंदर ये जो मटेरियल है इसको हम स्लज बोलते हैं, एंड इट इज यूज्ड एज मेन्योर, इसको मेन्योर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। और ये बीच में क्या है, डाइजेस्टर है, जहां पे एक्चुअल में फर्मेंटिव एक्टिविटी या फर्मेंटेशन होती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स, और बायोगैस की प्रोडक्शन होती है। जब बायोगैस यहां से बनती है तो ये एक मेटल का कंटेनर है जिसको हम गैस होल्डर बोलते हैं। तो जैसे जैसे गैस की कंसंट्रेशन इसके अंदर बायोगैस की बढ़ती है तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाता है। तो जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है तो वन कैन इमेजिन दैट सफिशियंट अमाउंट ऑफ बायोगैस हैज बीन सिंथेसाइज्ड इन दी डाइजेस्टर। तो वहां से फिर उसको यूज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी ट्यूब। तो इसके जरिए, डिलीवरी पाइप के जरिए, इसको फिर जहां भी यूज करना है, आइदर एज एनर्जी सोर्स, एनर्जी के सोर्स के लिए इसको, या डायरेक्टली जो है इसको हम अपनी किचन्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कुकिंग पर्पजेस, और फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इसको यूज किया जा सकता है। तो मैं बात क्या कर रहा था कि यहाँ पे एक सेंटर में लार्ज कंटेनर होता है विच इज कॉल्ड एज डाइजेस्टर। डाइजेस्टर को फीड करते हैं एनिमल फीकल मैटर, डंग प्लस वाटर, जितना भी ये प्लांट और एनिमल ओरिजिन का बायोमास होता है उसको यहाँ मिक्स करके इसके अंदर डाला जाता है। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद ट्रेसिस ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेस बनती हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोगैस, और ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाता है। अब जिसमें से यूज हो गई, यानी कि बायोगैस हमने बना ली, प्रोड्यूस करवा ली, वो यूज्ड स्लरी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है इनटू द नेक्स्ट चैम्बर, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस मटेरियल को जो यूज्ड स्लरी है दैट इज कॉल्ड एज स्लज, और इसको मेन्योर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर। तो बेसिकली प्रोसेस तो ये है, लेकिन इसको और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए, तो ये एक थ्री स्टेप का बायोगैस की प्रोडक्शन जो है ये तीन स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज इज सोलुबलाइजेशन। ये जो पहली स्टेज है वो क्या है, सोलुबलाइजेशन। देखो, प्लांट या एनिमल ओरिजिन का जो बायोमास होता है उसके अंदर प्रोटीन्स, फैट्स, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, इस तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं। तो वेरियस काइंड के वेस्ट मटेरियल जो प्लांट और एनिमल से पैदा होते हैं, ह्यूमन बीइंग से पैदा होते हैं, उन सब को क्या किया जाता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में विद द हेल्प ऑफ फॉकल्टेटिव एनएरोब्स, विद द हेल्प ऑफ फॉकल्टेटिव एनएरोब जो बैक्टीरिया हैं, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम, सूडोमनास, इस तरह के, अगर मैं बात करूं तो क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम ये एक फॉकल्टेटिव एनएरोब है। इसके अलावा सूडोमनास, सूडोमनास, ये इस तरह के बैक्टीरिया जो हैं ये क्या करते हैं, ये बायोमास के ऊपर एक्ट करते हैं, और इनमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको मोनोमर्स में या सॉल्युबल कंपाउंड्स में, सिंपल कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें डीकम्पोजर किस्म के माइक्रोब्स, जिसमें मैं एग्जांपल किसकी दे रहा हूँ, क्लॉस्ट्रीडियम और सूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया, ये एक्ट करते हैं फ्रेश जो बेस मटेरियल है, बायोमास है, उसके ऊपर, और उसको सॉल्युबल कंपाउंड्स या मोनोमर्स में चेंज कर देते हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेज एंड इट इज कॉल्ड एज सॉल्युबलाइजेशन। सेकंड स्टेज है एसिडोजेनेसिस। सेकंड स्टेज क्या है, एसिडोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि कुछ फर्मेंटिव माइक्रोब्स एक्ट करते हैं इन मोनोमर्स के ऊपर जो फर्स्ट स्टेप में बने, उनके ऊपर एक्ट करते हैं फर्मेंटिव माइक्रोब्स और इन्हें चेंज कर देते हैं इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स। तो इसमें क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्मेशन हो रही है इसलिए ये सेकंड स्टेज जो है
इसको हम एसिडोजेनेसिस भी बोलते हैं। तो सेकंड स्टेज में ये हो गया। और इसमें अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से डिफरेंट काइंड के हमारे पास जो है माइक्रोब्स हैं जो फर्मेंटेशन करवाते हैं, तो इसमें एसिटोबिब्रियो बैक्टीरिया या प्रोपिनियो बैक्टीरिया, एसिटो बिब्रियो बैक्टीरिया या प्रोपिनियो बैक्टीरिया, ये एक्ट करते हैं इन मोनोमर्स के ऊपर और उन्हें चेंज करवा देते हैं इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये सेकंड स्टेज है एसिडोजेनेसिस। देन द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज इज मिथेनोजेनेसिस। ये जो मिथेनोजेनेसिस स्टेज है, इसमें कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया एक्ट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के ऊपर जो सेकंड स्टेज के दौरान बने, और इसमें कौन से बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो एक्ट करते हैं ऑन द ऑर्गेनिक एसिड एंड दे कन्वर्ट देम इनटू मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस विच इज कॉल्ड एज बायोगैस। तो अल्टीमेटली फाइनल स्टेज में विद द एक्शन ऑफ दीज एनएरोबिक बैक्टीरिया, जिनको हम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बोल रहे हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड्स के ऊपर काम करके उनको चेंज करवाते हैं इनटू बायोगैस। तो ये थ्री स्टेप्स में, यानी सोलवलाइजेशन, देन एसिडोजेनेसिस, फिर मिथेनोजेनेसिस, ये थ्री स्टेप्स में जो है बायोमास से, प्लांट और एनिमल ओरिजन के बायोमास से इसकी फॉर्मेशन हो रही है, एक नीट एंड क्लीन और मीथेन रिच फ्यूल की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोगैस। अब आते हैं इसके बाद कि ये जो बायोगैस है इसके एडवांटेजेस। देखो, बायोगैस जो है इसके एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि ये एक नीट एंड क्लीन फ्यूल है। नीट एंड क्लीन फ्यूल है, कहने का मतलब कि इसके बर्न करने से किसी तरह की कोई हार्मफुल गैसेस इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं होती, यानी कि पोल्यूशन फ्री। तो पोल्यूशन फ्री इसका यूज जो है, दैट इज पोल्यूशन फ्री। दूसरा क्या आ गया कि यहां से जो यूज्ड स्लरी है, जिसको स्लज बोल रहे हैं, इट इज यूज्ड एज मेन्योर। इसको हम क्या यूज करते हैं, एज मेन्योर, तो मेन्योर के तौर पे उसको यूज किया जाता है। और बायोगैस को हम यूज कर रहे हैं एज एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी एंड मेन्योर, ये दोनों चीजें हमें मिल रही हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। थर्ड है इसके बाद कि बेस्ट जो है, जो बायोमास बेस्ड है, उसके कारण जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलता है या तरह तरह के इन्फेक्शियस डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं, तो वो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो एनिमल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एनिमल एक्सक्रीटा से या ह्यूमन फीकल मैटर से, जो हार्मफुल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आगे से आगे डिजीज फैलाते थे, वो डिजीजेस कंट्रोल में होते हैं। तो डिजीज कंट्रोल में भी ये यूजफुल है। इसके अलावा हम दे सकते हैं कि यानी स्प्रेड ऑफ पैथोजन्स को ये रोकता है, बायोगैस का यूज जो है वो स्प्रेड ऑफ पैथोजन्स को रोकता है। और इसके अलावा जितने भी किस्म के, हम ये कहेंगे कि इसकी क्लोरीफिक वैल्यू जो होती है वो, क्योंकि हाई है, क्लोरीफिक वैल्यू मीथेन के कारण जो है वो हाई है, तो ये एक एक्सीलेंट फ्यूल है, यानी कि उसकी क्लोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होने के कारण भी ये यूज ऑफ बायोगैस जो है वो एडवांटेजियस है। फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रोडक्शन जो है वो बायोगैस की हेल्प से हो सकती है। तो ये इतने सारे जो है वो एडवांटेजेस हैं। स्प्रेड ऑफ पैथोजन को ये जो है मिनिमाइज करती है, वो भी एक साथ में दे सकते हैं, डिजीज कंट्रोल वाले में वो आ सकते हैं। तो ये तरह तरह के फायदे हैं बायोगैस के यूज के। और बायोगैस की प्रोडक्शन जो है, जैसा मैंने पहले बोला, ये
दो तरह के बायोगैस प्लांट्स की हेल्प से की जाती है। या तो ये फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप, यानी जब इसमें गैस ज्यादा बन गई तो ये ऊपर आ जाएगा, जब गैस कम हो जाएगी तो ये नीचे चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट। और दूसरा है फिक्स्ड डोम शेप्ड बायोगैस प्लांट। तो दो तरह के बायोगैस प्लांट्स की हेल्प से हम बायोगैस की प्रोडक्शन करवाते हैं। और ये जो टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है यहाँ पे डेवलप करने की, वो KVIC यानी खादी एंड विलेजेस इंडस्ट्री कमीशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी हेल्प से ये टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दी टॉपिक बायोगैस प्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच। Yeah.